अरे गए पापा। या बेटा पापा आप इतना लेट क्यों आए हो? अरे वो ट्रैफिक और ये क्यों पहनकर आ गए आप कुर्ता पजामा? आप ऐसे भी रोगे क्या विमान से? हाँ क्यों, क्या करा रही है? आपको मैंने जी शर्ट लाके दी थी ना, वो क्यों नहीं पहनी? बेटा मैंने तेरे को बताया था ना, मैं उन कपड़ों में कंफर्टेबल नहीं हूँ। आप ना मेरी इंसल्ट करवाओगे। हाय विवान। हाँ मैं बस अंदर ही हूँ, आ रही हूँ। चलिए। और हाँ आप अंदर जाकर ना चुप रहिएगा, विवान बहुत हाई सोसाइटी से है, कुछ उल्टा सीधा मत बोल दीजिएगा उसके सामने, ताकि मुझे और एम्बैरेसमेंट हो। नमस्ते अंकल। नमस्ते, खुश रहो खुश रहो। हाय ऐशिका। हाय विवान। प्लीज सिट। सॉरी विवान, पापा ऐसे कुर्ते पजामे में आ गए। इसमें सॉरी वाली कौन सी बात है भाई, ये तो हमारा ट्रेडिशन और कल्चर का पार्ट है। हाँ वो तो है। कुछ ऑर्डर करें? या श्योर, मैं ऑर्डर दे के आता हूँ, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। ओके सर। से नहीं खा पाता हूँ, और ये चौमिन तो मुझे वैसे भी पसंद नहीं है, मैं तो रोटी दाल वाला आदमी हूँ। क्या बोलिए ना, ये पीछे तो क्यों करा रहे? अब विवान पापा की मजाक करने की बहुत ज्यादा आदत है। अंकल जी इन नूडल्स को ना हाथ से ही खाओ, कसम से टेस्ट बिल्कुल एनहांस हो जाता है। क्या कर रहे हो आप लोग? कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? एंड व्हाट डू यू वांट टू प्रूव? मैं क्या प्रूव करना चाहती हूँ? तुम क्या प्रूव करना चाहती हो? तुम अपने फादर से ऐसे बात कर रही हो, वो कितना हर्ट हो रहे हैं, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? तुम्हारे फादर ने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, इस लायक बनाया इस दिन के लिए, और तुम बचपन में खाना गिराती थी तो तुम्हारे फादर क्या एम्बैरेस होते थे? नहीं ना? आप एक्चुअली विवान तुम इतने हाई स्टैंडर्ड हो, तो मैंने सोचा कहीं पापा के सामने तुम्हें ऑकवर्ड फील ना हो, बस इसीलिए। सीरियसली ईशिका, हाई स्टैंडर्ड? चलो मान भी लेते मैं हाई स्टैंडर्ड हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं अपने रूट्स को भूल जाऊंगा। और मैं तुम पे कैसे ट्रस्ट कर लूँ कि आज तुम मुझे इंप्रेस करने के लिए अपने फादर को इतना इंसल्ट कर रही हो? कल को शादी के बाद तुम मेरे पेरेंट्स को भी तो इंसल्ट कर सकती हो ना? I'm sorry विवान, मैं बस थोड़ा सा घबरा गई थी इसलिए। इसमें घबराने जैसा कुछ भी नहीं है, जस्ट बी ओरिजिनल, बी यू। अगर मैंने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है ना, तो इसका मतलब ये भी है कि तुम्हारी फैमिली जैसी मर्जी हो, मैंने उन्हें भी एक्सेप्ट कर लिया है। और तुम जानती हो ना कि मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो मेरे आगे प्रिटेंड करते हैं या फिर दिखावा करते हैं। विवान, I'm sorry. No, इशिका, सॉरी मुझे नहीं, अपने फादर को बोलो। पापा, I'm really sorry. मैंने बहुत बदतमीजी से बात की आपसे। नहीं बच्चे, बच्चों से तो गलतियां होती रहती है, ये तो माँ बाप का फर्ज है कि बच्चों को माफ करते रहे। कुछ नहीं,
सो हाँ हाँ और तुम फोक से